Hi guys, I'm Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the introduction of coordination compound, in which I briefly discuss about the molecular and addition compound. Today I'm discuss about the double salt or lattice salt and lattice compound भी बोल सकते हैं, as well as coordination compound with the help of examples. सो गाइस लेट स्टार्ट टॉपिक नाउ. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटे डबल सॉल्ट क्या होते हैं. तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग डबल सॉल्ट. है ना, अगर डबल सॉल्ट है ना, डबल सॉल्ट के आगे भी आप लोग डाल सकते हो डबल सॉल्ट और लैटिस सॉल्ट या कंपाउंड. ठीक है बेटे, तो क्या होते हैं मेरे पास डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड क्या होते हैं. बहुत सिंपली है, आपको मैंने बताया था, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहते हैं बट उनको जैसे आप डिसॉल्व करते हो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल और आयन में. और एवरी आयन इज़ कैपेबल फॉर, है ना, हर एक आयन जो होता है बेटा जो टूट जाता है डबल सॉल्ट में कम्प्लीटली आयनाइजेशन जिसका हो जाता है वो अपना टेस्ट दे दे रहा है. ठीक है, जो भी आयन से मिलकर बना होगा वो टेस्ट अपने वो आयन्स अपने क्या करेंगे, टेस्ट तो देंगे ही देंगे. तो डबल सॉल्ट आखिर होते क्या हैं पहले लिख लीजिए, फिर एग्जांपल थ्रू मैं आपको अच्छे से जैसे मैंने एडिशन कंपाउंड बताए थे वैसे मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा. सेम एग्जाम्पल तो मैं वही रखता हूँ. ठीक है, आप लिख सकते हो द एडिशन, है ना, द एडिशन कंपाउंड which are stable in solid state only. जो केवल कहाँ पर stable होते हैं बेटा, केवल solid state में stable होते हैं वो हमारे double salt होते हैं, है ना. लेकिन but broken down into इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट, है ब्रोकन डाउन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट कब बेटे अपने आयन में टूटेंगे, कब, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. जब आप इसको क्या करोगे वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो लिखो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. When dissolving water are called double salt. उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, double salt और lattice compound बोलते हैं. ठीक है, their solution है ना, जो इनका solution होगा have the same properties as the mixture of individual compound. जैसे ही जो इंडिविजुअल कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वही इनके कोऑर्डिनेशन या डबल सॉल्ट की भी वही प्रॉपर्टीज होती है. तो आप बोल सकते हो देयर सॉल्यूशन हैव द सेम प्रॉपर्टीज, द सेम प्रॉपर्टीज एज द मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल, है ना, एज अ इंडिविजुअल कंपाउंड. जो इंडिविजुअल कंपाउंड की होती है वो इनके मिक्सचर की भी होती है. अब एग्जांपल से ज़रा समझिएगा, है ना. सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई आयरन सल्फेट को अगर मैं, है ना आपको आयरन सल्फेट में अगर आप अमोनियम सल्फेट को मिक्सअप करोगे सोल्यूशन को तो आपका फेरस सॉल्ट बनता है, सॉरी मोहर सॉल्ट बनता है. तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O. इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटे, ये हमारा मोहर सॉल्ट है. अब मोहर सॉल्ट को जैसे हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो अपने आयन्स में टूट जाएगा, है ना, Fe+2 आयन देगा, साथ ही साथ दो आपके NH4+ आयन देगा, अमोनियम आयन दो देगा, साथ ही साथ आपके, है ना, दो आपके सल्फेट आयन आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको वाटर मिलेगा,
ये अगर आप जैसे इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूट आयंस में क्या हो गया बेटा, ये टूट गया है। अब वाटर फरदर नहीं टूट सकता, ये बात आप लोग याद रखिएगा, वाटर फरदर नहीं टूटता है, ठीक है, एच और ओ एच में। तो ये जो भी आयंस होते हैं सॉल्ट के, वो क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयनाइजेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने आपको कार्नेलाइट का बताया था, क्या फॉर्मूला था, के सी एल पॉइंट एम जी सी एल टू पॉइंट सिक्स एच टू ओ। इसको अगर आप उसके है ना वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको मिलेगा के प्लस आयन, साथ ही साथ एम जी प्लस आयन प्लस थ्री सी एल माइनस आयन है ना प्लस सिक्स एच टू ओ आपको मिलेगा, ठीक है। और ये सब एक्वस में होते हैं बेटे, ये सब एक्वस हैं, ये सब एक्वस आयन हैं, ठीक है। तो एक्वस लिख लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ए क्यू है, ए क्यू तो एक्वस है। तो ये अपने आयंस में क्या हो गया बेटा, ब्रेक डाउन हो गए। ऐसे ही पोटास एलम भी है, वो भी क्या हो जाता है, अपने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल और आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। पोटास एलम का आप जानते ना फॉर्मूला, के टू एस ओ फोर पॉइंट ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस पॉइंट ट्वेंटी फोर एच टू ओ। अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको मिलेगा टू के प्लस आयन प्लस टू ए एल प्लस थ्री आयन है ना प्लस है ना थ्री आपको सल्फेट आयन मिलेंगे और साथ में आपको 24H2O देखने को मिलेगा। ये भी एक्वस में ही रहेंगे, AQ है ना, एक्वस में आयन में रहेंगे, क्लियर है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूट आयंस में क्या हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गए। अब जब ये ब्रेकडाउन हो गए तो अपने टेस्ट देने के लिए कैपेबल हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैं फेरस सॉल्ट का देना चाहता हूँ, है ना। फेरस सॉल्ट में दो सॉल्ट हैं, एक है Fe(SO4), दूसरा है NH4 का होल टॉइस SO4। तो आप बताइए जब ये टूटेगा तो ये देगा Fe+2 आयन प्लस सल्फेट आयन देगा बेटे, है ना। साथ ही साथ अमोनियम सल्फेट जो है वो अमोनियम आयन में टूटेगा और साथ ही साथ सल्फेट आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। आप सपोज करिए आयरन को, अगर अपना टेस्ट है, अगर मुझे आयरन वहाँ पर प्रेजेंट है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, तो मैं इस आयरन को क्या करूँगा, इसको सबसे पहले ट्रीटमेंट कराऊँगा किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ओ ए का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Fe+3 में आ जाएगा। और फिर अगर मैं इसमें NaOH डाल दूँ, क्या डाल दूँ बेटा, NaOH जैसे ही डालूँगा वैसे ये मुझे देगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिसका आपको रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा। कैसा मिलेगा, रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो अमोनियम आयन है, अगर आप इसमें क्या करोगे बेटे, अगर आप इसमें NaOH ऐड करते हो तो इसमें आपको अमोनिया रिलीज होती हुई दिखाई देगी और अमोनिया की स्मेल आएगी। सल्फेट जो आयन है, अगर आप इसमें बैरियम का कोई भी सॉल्ट डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए बैरियम क्लोराइड डाल दिया, तो ये आपका बैरियम सल्फेट बना लेगा, जो कि बहुत लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए आपको ये वाइट PPT मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा बेटा, वाइट PPT, जिससे आप क्या हुआ, आप ये सारे टेस्ट जो आपने करे हैं ये तभी हुए ना जब ये अपने आयन से ब्रेक डाउन हो गए थे, आयरन सल्फेट और अमोनिया। तो जब ब्रेक डाउन हो गए तो इन्होंने अपना टेस्ट दे दिया और जितने भी आयन प्रेजेंट थे उन सब ने अपना जो आइडेंटिटी थी वो क्या कर दी बेटा, है ना, इंडिविजुअली जो आइडेंटिटी थी वो यहाँ पर लूज़ कर दी, ठीक है। क्या लूज़ का मतलब, अब ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपनी कैरी कर रहे हैं, बट जो कंपाउंड की जो आइडेंटिटी थी वो लूज़ हो चुकी है। जैसे अमोनियम आयन है, सल्फेट आयन, ये अपने टेस्ट अब देने लगे हैं, ठीक है। तो इनका मतलब ये होगा कि इनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया। इस टाइप के जो भी हमारे एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई है ना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं समझता हूँ कि आपको डबल सॉल्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया बेटे, जिनका कम्प्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता है, ये सॉलिड स्टेट एज वेल एज अपने सॉल्यूशन स्टेट दोनों में ही ये स्टेबल रहते हैं। इस टाइप के जो डबल सॉल्ट और एडिशन कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से पहले लिख लीजिएगा कि द एडिशन कंपाउंड द एडिशन कंपाउंड
in which some of the constituent ions या आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल लूज देयर आइडेंटिटी वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं बेटा, लूज कर देते हैं। एंड आइडेंटिटी कैसे लूज कर देंगे, अगर मान लीजिए अमोनियम सल्फेट के साथ जुड़ा रहता नहीं टूटता तो अमोनियम अभी कभी अपना एड्रेस नहीं दे सकता था, तो मतलब इसने जो इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी थी वो लूज कर दिया होता। बट यहाँ पर इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज नहीं हुई है, बट कॉम्प्लेक्स की जो आइडेंटिटी थी वो लूज हो चुकी है। ठीक है, जब अमोनियम सल्फेट था उसकी आइडेंटिटी लूज होकर अब अमोनियम की अपनी आइडेंटिटी है, सल्फेट की अपनी आइडेंटिटी है। बट जब भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करोगे तो ये अपनी इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है यही वो लॉस कर देते हैं, मतलब कम्प्लीटली आयनाइजेशन होगा ही नहीं तो अपनी आइडेंटिटी लॉस होगी। जब वो अपना टेस्ट ही नहीं दे पा रहा तो उसने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी कि नहीं कर दी, तो बोल सकते हो लूज देयर आइडेंटिटी एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे डू नॉट ब्रेकअप। ये टूटते नहीं हैं कैसे बेटा, कंप्लीटली ठीक है, दे डू नॉट ब्रेकअप कंप्लीटली इंटू इंडिविजुअल्स आयंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ दियर सॉल्यूशन, जो उनके सॉल्यूशन की है ना क्या होगी बेटा, प्रॉपर्टीज होगी आर डिफरेंट। इनकी जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी किससे, देन दोस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनसे वो मिलकर बना है उनसे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जैसा मैंने बताया कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिर होते क्या है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आखिर होते क्या है, तो द एडिशन कंपाउंड्स इन विच सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट आयंस एंड मॉलिक्यूलर आयंस लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे डू नॉट ब्रेकअप कंप्लीटली इंटू इंडिविजुअल आयंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सॉल्यूशंस आर डिफरेंट देन दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिनसे वो मिलकर बने हैं उनसे उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी उनके सॉल्यूशन की वो डिफरेंट होगी। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं इसको, इसकी एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। ठीक है, मैं इसको पेज को टर्न कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग ये बात समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। जिस तरह से आपको लिखना भी इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको लिख के दे रहा हूँ, दैट इज़ यही आपके नोट्स हैं, इसी टाइप के नोट्स आपके बनने चाहिए ताकि आपको पढ़ते समय बहुत इजी फील हो कि किस तरह से हम चीज़ों को आसानी से एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो सॉल्व है, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ एग्जांपल की तरफ। सपोज करिए मेरे पास FeCN का है ना होल टॉइस था, उसमें अगर मैं 4KCN को ऐड कर दूँ तो मेरा बनता है FeCN का होल टॉइस 0.4 KCN है ना। इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं बेटा है ना, K4 FeCN का होल 6। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इसी टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइजेशन इनका नहीं होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। सपोज़ करिए अगर आपके पास FeCN का होल टॉइस था तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो Fe+2 आयन में टूटना चाहिए और 2CN- आयन में टूटना चाहिए, साथ ही साथ जो KCN है वो किस में टूटना चाहिए बेटा, आपका K+ में और CN- में टूटना चाहिए था है ना। इस तरह से उसको ब्रेक डाउन होना चाहिए था, बट आई हैव 3 सिंपल आयन, मेरे पास केवल 3 सिंपल आयन होने चाहिए थे, आयरन पोटेशियम और साइनाइड है ना। तो हम लिख सकते हैं आई हैव 3 सिंपल आयन
है ना, कौन कौन से, एफ ई प्लस टू, के प्लस एंड साइनाइड माइनस आयन, यही तो है मेरे ईटीसी, यही मेरे क्या सिंपल आयन है। बट आप जानते हो कि के फोर है ना एफ ई सी एन का होल सिक्स है ना, जो होता है ये जब ब्रेक डाउन करता है तो किस तरह से होता है, ये फोर के प्लस में टूट जाएगा और साथ ही साथ एफ ई सी एन का जो होल सिक्स होगा और माइनस जो फोर आयन होंगे ये इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स आयन, इनको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो ये इसमें ब्रेक डाउन हो गया, अब ये फर्दर अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये आपका ब्रेक डाउन होगा क्या देगा, एफ ई प्लस टू आयन प्लस सिक्स साइनाइड माइनस आयन इसको देना चाहिए है ना। तो यहाँ पर अगर ये दे देगा तो इसकी जो आयरन की इंडिविजुअलिटी है ना, इंडिविजुअलिटी है जो है या इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो क्या हो गई बेटा रिटेन रहेगी, बट ये इसमें टूटता ही नहीं है इसलिए जो इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो क्या हो गई बेटा लूज हो गई। तो हम बोल सकते हैं ना जो इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना वो लूज हो गई है, क्योंकि अगर ये अपना टेस्ट ही नहीं दे पाएगा तो मतलब इसकी आइडेंटिटी लूज हो गई। अब भाई इस तरह से पोटेशियम तो अपना टेस्ट दे देगा ठीक है, साथ ही साथ है ना आयरन अपना टेस्ट नहीं दे पाएगा ना साइनाइड दे पाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन और साइनाइड के बीच में कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया है, उसी बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। वो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है ना वो क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड है या कोई आयनिक बॉन्ड है, तभी उसका नाम दिया गया कि भाई वो स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसीलिए इसी बॉन्ड पर पूरा ये चैप्टर बेस्ड है, क्योंकि उसके बीच में ये आयरन और साइनाइड के बीच में कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस लग गए जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाया। इसी तरह का दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास कॉपर सल्फेट है और मैं उसमें अमोनिया पास आउट करा दूं तो मेरा बना देगा CuSO4.4NH3 है ना, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो CuNH3 का होल फोर है ना सल्फेट, इसका ना नाम होता है टेट्रा अमीनो कॉपर सल्फेट होता है, ये डीप ब्लू कलर का होता है ठीक है, कैसा कलर का होता है डीप ब्लू कलर का होता है। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो आपके पास तीन आयन आपको मिलने चाहिए थे भाई, जब मगर ये ब्रेक डाउन जब होता है तो आपको मिलता है दो आयन्स आपको देखने को मिलते हैं Cu प्लस टू और प्लस सल्फेट आयन, मतलब जो है ना कम्प्लीटली इसका आयनाइजेशन हुआ या कॉपर ने अपनी आइडेंटिटी जो थी वो लूज कर दी। क्यों लूज कर दी, क्योंकि वो अब अमोनिया के साथ कॉम्बिनेशन में है, अगर ये इंडिविजुअल होता तो ये अपना टेस्ट देने के लिए तैयार रहता, बट ये ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं कॉपर प्लस टू आयन में, ये हुआ ही नहीं ब्रेक डाउन, तो इसने अपनी आइडेंटिटी जो थी वो क्या कर दी बेटे लॉस कर दी। इसी टाइप के जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या एडिशन कंपाउंड जो होते हैं उन्हीं को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो बेटे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लेके पढ़िए, इससे काफ़ी चीज़ें आती हैं और ये बाहर जब आप 12th पास आउट होके जाओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसी चैप्टर की आपको आगे भी पढ़ने को मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।